माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम शर्मा पहुंचे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा चौधरी चरण सिंह सभागार सिंचाई भवन लखनऊ में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अति विशिष्ट अतिथि सतीश शर्मा, राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद एवं सुशील कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अति विशिष्ट अतिथि माननीय सतीश शर्मा, राज्य मंत्री खाद्य रसद ने बेसिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का आधार है, आज शिक्षा पर सामाजिक तथा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिसका आज पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। इस अवसर पर शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह ने कहा कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से विद्यालय काफी समय से बंद रहे, जिसके कारण शिक्षक कार्य प्रभावित है, इसलिए बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों की बहुपयोगी मांग कैशलेस चिकित्सा सुविधा को अपने 100 दिनों की कार्य योजना में सम्मिलित कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा शिक्षक समस्याओं के निवारण हेतु एक मांग पत्र पूर्व मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया। अशोक कनौजिया, लखनऊ, समाचार 24। वर्तमान परिवेश में शिक्षकों की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। बच्चों के लर्निंग लॉस के बारे में चर्चा की गई, कैसे उस लर्निंग लॉस को पूरा करना इसके बारे में चर्चा की गई, और जो कोरोना काल जो दो साल का रहा उससे जो स्कूल बंद रहे तो विद्यालयों के बच्चों के शिक्षा भी प्रभावित थी, इस पर चर्चा पर चर्चा की। साथ ही शिक्षकों की अन्य समस्याओं के बारे में, चाहे पेंशन हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की मांग हो, चाहे प्रमोशन की मांग हो, चाहे मृतक शिक्षकों को प्रतिशी या शिक्षक बनाने की बात हो, और बीमा धनराशि 10,000 बढ़ाने की बात हो, इन तमाम मांगों का चर्चा पर चर्चा। और माननीय श्री सतीश शर्मा भी सरकार से बात कर शिक्षकों की समस्याओं को पूरा कराने का आश्वासन दिया, और सतीश शर्मा जो राज्य मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की समस्या है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उसको पूरा कराने का यत्न, और इसमें मैं समझता हूँ और तमाम ग्राहक चर्चा पर चर्चा हुई और इस ये निर्णय निकला कि शिक्षकों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।